Hello students, so next we study about some question answers. Number one question he asked, why had the site not been developed? वो जगह जो थी जो आमिर ने देखी थी कैफे के लिए वो उसमें यानी अच्छी क्यों नहीं थी, वो उसके ऊपर कुछ केयर क्यों नहीं की गई, उनको देखभाल क्यों नहीं की गई डिवेलप के सेंस में. Nobody had thought of developing the site because everyone had assumed it was a part of the park. वो असल में जगह को इसलिए भी अच्छा बना के नहीं रखा गया क्योंकि लोग समझ बैठे थे कि ये कोई पार्क का ही हिस्सा है, जो इसलिए इसको किसी ने केयर नहीं की. नंबर टू, नो इन व्हाट वेज हैड द साइट बीन नेगलेक्टेड, उसको किस तरीके से नेगलेक्ट किया गया था, इग्नोर किया गया था, ख्याल नहीं रखा गया था, तो उस सेंस में है कि इट हैड बीन लेफ्ट अबाउट केयर. It was covered with heaps and debris. इसको यानी इसकी केयर बिल्कुल नहीं की गई थी और यहाँ वहाँ पर ढेर लगे हुए थे कूड़ा करकट के. heaps of debris का मतलब है कूड़ा करकट, which in turn was being covered under a thick undergrowth of thorn bushes and grasses. और जहाँ पर वो कूड़ा इतना भर गया था कि उसके ऊपर मज़ीद झाड़ियाँ और घास और बहुत कुछ उसके ऊपर यानी पड़ता चला गया और वो एक कूड़े का ढेर लगना शुरू हो गई जगह, तो इसलिए उसकी केयर हो नहीं सकी. हाउ डिड आमिर अर्न हिज लाइवलीहुड, उसकी वो रोज़ी के अपने उसकी रोज़ी कमाने का क्या तरीका था उसका. Amir earned his livelihood by buying and selling brass items going around on his bicycle. वो अपनी साइकिल के ऊपर पीतल के जो बर्तन थे उनको खरीदता था और उनकी फरोख्त करता था, ये उसका अपनी जॉब थी. How did Maham react when Amir first told her of his plans and why? उसने जब अपना प्लान बताया माहम को यानी उसकी अपनी बीवी को, तो वाइफ को, तो क्या उसका रिजल्ट यानी रिएक्शन क्या था. शी डिड नॉट बिलीव हिम, उस पर उसे यकीन नहीं आ रहा था. मैनी टाइम्स शी हैड हर्ड सच प्लान, क्योंकि बहुत इस किस्म के मंसूबे सुन चुकी थी. नथिंग हैड कम ऑफ दोज, और ना ही उनमें से कोई पूरे हो सके. शी थॉट इट वॉज जस्ट अनदर पाइप ड्रीम ऑफ आमिर कैफे, बस ऐसा लगता था जैसा कि ये भी एक ख्याली पुलाव है, पाइप ड्रीम है आमिर के कैफ़े के बारे में, तो इसलिए उसने उसकी केयर नहीं की, थोड़ा सा फन कर दिया. What were some of the things that Amir had done to accomplish his dream? उसने अपने ड्रीम को accomplish करने के लिए यानी तकमील तक पहुंचाने के लिए, पूरा करने के लिए क्या किया. He had saved money for years, कई सालों तक वो पैसे उसके लिए इकट्ठा करता रहा. He was about to acquire further loan from the bank, उसका भी ये भी आइडिया था कि वो बैंक से लोन ले. और he had met the old lady who owned the plot and negotiated with her to buy it. और उसने उस खातून से मुलाकात भी की थी ताकि उससे वो गुफ्तगू करे और एग्रीमेंट कर ले कि वो इस ज़मीन को बेच दे. In what ways did Amir feel relieved and why? आमिर को कुछ किस बात पर सुकून हासिल हो रहा था या पुरसकून हो गया. आमिर फेल्ट रिलीव्ड, उसको इस बात पर सुकून हो गया आफ्टर टेलिंग माहम ऑफ हिज प्लान्स, जब उसने अपने प्लान्स को माहम को बताया. ही नो लॉन्गर हैड टू कीप देम अ सीक्रेट नाउ, क्योंकि वो काफ़ी देर तक अब उसे एक सीक्रेट नहीं रख सकता था, छुपा नहीं सकता था. दैट मेड हिम फील रिलीव्ड, जब उसने उसे बता दिया तो उसे भी सुकून हो गया. लाइक दैट. तो नेक्स्ट है, डू यू थिंक आमिर वॉज ड्रीमर और अ प्रैक्टिकल मैन, आपकी क्या राय है कि आमिर जो है सिर्फ एक ख्वाब देखने वाला शख्स है या प्रैक्टिकल भी करने वाला है. आमिर वॉज बोथ अ ड्रीमर एंड अ प्रैक्टिकल मैन, उसके अंदर दोनों खसूसियात हैं, वो ड्रीम भी देखता है और प्रैक्टिकल भी करता है. ही ड्रीम्ड अ लॉट अबाउट सेटल्ड लाइफ, उसने अपनी पुरसकून जिंदगी के लिए बहुत कुछ सोच रखा था. देन फाइनली आखिरकार हतमी तौर पर, वेन ही हैड इनफ रिसोर्स, जब उसके पास वसाइल बहुत ज़्यादा आ चुके, रिसोर्स मैंने वसाइल यानी फैसिलिटीज़, ही वेंट अहेड, वो उसने अपना प्लान आगे बढ़ाया.
एंड मेड अरेंजमेंट्स टू बिल्ड हिज कैफे, और उसने तैयारियां शुरू कर दी बिल्ड कैफे को बनाने के लिए. दिस प्रूव्ड दैट ही वाजंट अ मियर ड्रीमर, लेकिन ये कतई साबित, ये इससे साबित हो गया है कि वो बिल्कुल ख्वाब ही देखने वाला शख्स नहीं था. ये सारे कुछ आंसर्स हैं उसके, और क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये आप ध्यान में रखें. ये कुछ अल्फाज मायनी हैं, वर्ड्स फॉर सेंटेंस, आप जैसे जुमले बना सकते हैं, एग्जाम में भी आ सकते हैं. ये सब्सक्राइब, अमूमन आप अमूमन ये सब सुनते ही रहते हैं इंटरनेट पर, सब्सक्राइब वीडियो करना या चैनल को कर देना, यानी किसी चीज़ को, किसी चीज़ के सर्विसेज हासिल करना उसे, या उसमें से इंफॉर्मेशन लेते रहना, उस सोर्स को सब्सक्राइब करने को कहते हैं. यानी किसी कंपनी से अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे यू फोन है या कोई जैज़ है या कोई और वारिद है, उनको आप कुछ पे करते हैं और वो कुछ आपको सर्विसेज दे देते हैं फ़ोन के अंदर, इसको हम कहते हैं सब्सक्राइब करना. सब अर्ब जो नवाही इलाके होते हैं, सब अर्ब उसे कहते हैं, शहर यानी जो इर्द गिर्द एरिया होता है शहर से बाहर. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है नेमुल बदल होना, यानी किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ होना, उसे सब्स्टिट्यूट कह देते हैं. सब्सिक्वेंट यानी कोई बार, कोई ऐसी चीज़ जो बार बार आपको आ रही हो, सिलसिला एक जुड़ा हुआ हो आइडियाज़ का, स्टोरीज़ का, इंफॉर्मेशन का, तो सब्सिक्वेंट उसे कहते हैं. अक्सर आप ये सुनते हैं सब्सिक्वेंटली, यानी बहुत ज़्यादा अक्सर औकात हो जाना किसी चीज़ का. सब ड्यू कहना किसी चीज़ के ऊपर हावी हो जाना, कंट्रोल कर लेना, काबू पा लेना. सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है सब यानी मातहत होना, यानी उसके ज़ेर असर रहकर काम करना, सब ऑर्डिनेट उसको कह देते हैं. प्रोट्रूडिंग का मतलब होगा कि किसी चीज़ का उभर कर सामने आ जाना, जैसे हमारी किसी हाथ पे चोट लगे और कोई इंजरी, हाथ स्वेलिंग हो जाती है हाथ के ऊपर, तो वो प्रोट्रूडिंग हो जाएगा, स्किन से ऊपर आ जाएगा. ऐसी तमाम चीज़ें प्रोट्रूडिंग कहलाना शुरू होंगी, जो कि एक एक्स्ट्रा बाहर आ जाएं, निकली हुई हों. स्ट्रोन कहते हैं बिखरी हुई चीज़ों को. थ्रॉन्ग कहते हैं हुजूम को, यानी क्राउड को. वेंचर्ड कहते हैं मुश्किल काम को, किया हुआ जो मुश्किल काम होता है. ये आप मीनिंग जहन में रखें, इसको जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मीनिंग जहन में रखें उर्दू का, तो यू कैन गो वेरी वेल और ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस जस्ट फॉर प्रैक्टिस एवरी डे. थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट.